नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में देखिए कैसे एक सरकारी स्कूल को मदरसे में बदलना शुरू कर दिया है। इस पर लोगों तथा पुलिस प्रशासन द्वारा सवाल पूछने पर विजयनगर के एक सरकारी स्कूल में मदरसा लगाने वाली एक महिला बार बार कह रही है कि उसने मैडम से पूछ कर यह मदरसा लगाया था। देखिए इस वीडियो में कि महिला बार बार सवाल पूछने पर कह रही है कि मैंने मैडम से परमिशन लिया था। आपको परमिशन लेनी चाहिए थी ना पहले? भैया मैडम से ली थी हमने। तो मैडम से कह दी थी? हाँ मैडम को बता दी थी हमने। मैडम से परमिशन लेनी चाहिए थी आपको। किसने दिया परमिशन आपको? कौन हो आप? ये नमाज पढ़ने के लिए किसने कहा? नमाज पढ़ने के लिए बात करो मैडम। किताब दिखा लो, क्या भैया ये क्या चल रहा है? फेसबुक लाइव चलाओ, चलेगी फेसबुक लाइव करो, बुलाओ फेसबुक लाइव करो। ये प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर उर्दू का कलमा पढ़ा जा रहा है। खोलिए किताब, खोलिए अपनी किताब खोलिए। ये सारे मौलवी बैठे हुए हैं, यहाँ पर कलमा पढ़ा जा रहा है। ये देखिए सरकारी विद्यालय के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से भारत में इस्लामीकरण को बढ़ाने के लिए लोगों ने किस तरह से लोगों को इकट्ठा कर रखा है। खड़ा हो जा भैया, खड़ा हो जा, ऊपर खड़ा हो जाए तो मैडम आप जो है खाना सब बंद करो आप। किताब भी वो नहीं हो रहा है, उनके पास है किताबों को इकट्ठा करो। घोष वोश कहा रखा है? हाँ हाँ कुछ खाने का रखा होगा अभी तो ये तो भाई साहब मतलब ही नहीं होता मीठा। इसमें क्या क्या इसके अंदर होगा ना? भाई ये बोल रहा भाई इन्होंने धुका दिया है। इसको अधिकार कर दूँ लोग अन्ना जा रहा। चलो आज थाने में चलो, इन सबको यहाँ पे लोग तुरंत खाली कर दो। तुम यहीं रहते हो स्कूल में?